जम्मू में वही कड़ाके की ठंड और फाग, और वही डोडा में ये धूप के नज़ारे। इस धूप के नज़ारे चलते चलते सोचा कि एक खबर जो है मेरे पास आई और आपको भी सुनाते चलूं। खबर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो आपने गोल्डन कार्ड बनाए थे उसके रिगार्डिंग मेरे पास एक जानकारी आई है, आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां एक तरफ से सरकार जो है दावे करती है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम जो है हेल्थ सेक्टर में है। अगर इस स्कीम की मैं बात करूं तो 1354 ऐसी बीमारियां हैं जो इस स्कीम में कवर होती हैं, और 33 ऐसे राज्य हैं, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं और यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे ये स्कीम जो है अभी तक लागू हो गई है। स्कीम का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यानी वही बात कर रहा हूं मैं आपके गोल्डन कार्ड की, जिसको आप आयुष्मान भारत कार्ड भी कहते हैं। चलिए आइए आते हैं अब हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार ने 1449 करोड़ की पेमेंट जो है वो डिस्पर्स कर दी है मुख्तलिफ अस्पतालों को। यानी ये मान लीजिए आप कि अस्पतालों को पैसा दे दिया गया है, और ये पैसा क्यों दिया है? अगर मैं इस आंकड़े की भी बात करूं तो 1,07,000 के करीब करीब लोगों ने अभी तक इस स्कीम का लाभ उठाया है और अभी तक अपना इलाज करवाया है, और उस इलाज के चलते जो उन्होंने इलाज अस्पतालों में करवाया, जो उन्होंने वहां से दवाइयां फरोख्त की, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो उन्होंने अपने कार्ड के जरिए, उनका जो लिमिट उस कार्ड का 5 लाख रुपए है, उस 5 लाख के चलते सरकार ने आज की तारीख में 1449 करोड़ रुपए मुख्तलिफ हस्पतालों में, सरकारी हस्पतालों में और प्राइवेट भी हस्पताल हैं कुछ, उन सभी हस्पतालों में ये पेमेंट जो है वो डिस्बर्स कर दी गई है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब हम अपना आयुष्मान भारत कार्ड लेके किसी हस्पताल में जाते हैं तो हमारा इलाज जो है वहाँ ठीक तरीके से नहीं होता है, हमें कुछ बीमारियां जो है उसके लिए ये कहा जाता है कि ये कवर नहीं होती है इसमें, वो बीमारी जो है कवर नहीं होती है इसमें। आखिर कौन सी बीमारियां जो है इसमें कवर होती हैं और कौन सी बीमारियां इसमें कवर नहीं होती हैं? मैंने पहले ही आपसे कहा कि 1354 ऐसी बीमारियां हैं जो इस कार्ड में कवर होती हैं। मात्र एक ऐसी बीमारी जो आज तक मुझे जानकारी मिली है, एक ऐसी बीमारी जो इसमें कवर नहीं होती है, वो है सी सेक्शन यानी सिजेरियन। जब एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को जन्म देती है तो शायद ये जो बीमारी है ये सिजेरियन जो है इसमें कवर नहीं होता है। हालांकि सिजेरियन भी बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में उससे पैसा लिया जाता है, मगर बाकी जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वहां ये बीमारी जो है, वहां ये सी सेक्शन जो है ये कवर नहीं होता है। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं इस कार्ड के जरिए आप वहां भी उनका प्राइवेट अस्पताल में भी लाभ उठा सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि सिर्फ 93% लोग ऐसे हैं अभी तक जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने इस स्कीम के तहत अपने अपने कार्ड जो हैं वो बनवाए हैं, और 83% लोग ऐसे हैं जिन 83% लोगों के कार्ड अभी तक इशू हुए हैं। और अगर जिन लोगों के कार्ड अभी तक इशू नहीं हुए हैं वो कहीं भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार ने जहां पे सर्विस सेंटर खोल के रखे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर खोल के रखे हैं, सीएससी सेंटर जिन्हें कहा जाता है, वहां जाके अपना अपना गोल्डन कार्ड जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। मगर फिलहाल 1449 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है ये डिसबर्स हो चुकी है बहुत सारे हस्पतालों में, बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हस्पतालों में, जिन हस्पतालों में 1,07,000 लोगों ने अपना अपना इलाज जो है इन हस्पतालों में करवाया है। फिलहाल जिन लोगों के पास ये कार्ड नहीं है आप जरूर ये कार्ड बनवा लीजिए, और याद रखिए कि आप कहीं भी सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकते हैं बल्कि आप किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते हैं जिनका यहाँ पे टाइप हो सकता है इस आयुष्मान भारत स्कीम का, जिनका टाइप जो है इस PMJAY स्कीम के साथ हो सकता है। आप जरूर इस PMJAY कार्ड का जो है इस्तेमाल किसी प्राइवेट अस्पताल में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट अस्पताल जो है वहां जा सकते हैं और वहां इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आज की तारीख में, यानी आज जो है 13 तारीख है, और 10 तारीख को 11 तारीख को ये पेमेंट जो है वो डिसबर्स हो चुकी है। हमारी जो जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार है उन्होंने ये पेमेंट जो है मुख्तलिफ हस्पतालों में दी है, और ये 1449 करोड़ की पेमेंट जो है मात्र
10,70,000 लोगों ने जब अपना इलाज करवाया, उनको जब फ्री मेडिकल फैसिलिटीज वहां अस्पतालों में दे दी गई, उनका मेडिसिनल खर्चा जो है वो भी इसी सरकार ने इस कार्ड के जरिए उठाया है। हालांकि बहुत सारी अभी स्टेट्स ऐसी भी हैं जो इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है ऐसी स्कीम चल रही थी। तो हिंदुस्तान की कुछ ऐसी रियासतें अभी भी हैं, ऐसी स्टेट्स अभी भी हैं जो इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती हैं। हालांकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 33 ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो इस कार्ड का इस्तेमाल करती हैं, और आज भी बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो इस कार्ड के जरिए जो है अपना अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं। और कुछ लोगों ने कभी कभी हमें यह भी कहा कि जब भी हम अपना इलाज करवाने जाते हैं कहीं भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में, तो हमें बहुत सी फॉर्मेलिटी जो है वो मांगी जाती है। मगर आपके नॉलेज के लिए, मैं आपके इल्म के लिए ये बता दूं कि आपको किसी भी किस्म की फॉर्मेलिटी देने की जरूरत नहीं है, जबकि आपके पास ये एक यूनिक आईडी है। इस यूनिक आईडी में जो आपके पास ये गोल्डन कार्ड है, आपके पास पहचान पत्र है, ये इसके पास आपके पास इस पे आपकी फोटोग्राफ लगी होती है, और ये एक यूनिक नंबर भी इसके पास इसके साथ में लगा होता है। खाली आपने ये आयुष्मान भारत कार्ड किसी भी सरकारी अस्पताल में देना है और उसके बाद अपना अपना इलाज जो है आप करवा सकते हैं। फिलहाल इंफॉर्मेशन पहुंचाना आप सभी लोगों तक बहुत जरूरी था। आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।